लव जिहाद का आरोपी तनवीर रांची पहुंचा है। बिहार के अररिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची कोर्ट के समक्ष पेश कर सकती है पुलिस। वही कई दिनों से जो तनवीर है वो फरार चल रहा था। आपको बता दें कि यश मॉडल के संचालक तनवीर खान पर जो है आरोप लगाया गया था एक मॉडल के द्वारा कि उसने अपना धर्म परिवर्तन के लिए से जबरदस्ती किया था। आपको बता दें कि बिहार के अररिया से जो है गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के समक्ष पुलिस जो है तनवीर को पेश कर सकती है। आपको बता दें कि कई दिनों से तनवीर फरार चल रहा था। बिहार के अररिया से गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के समक्ष आज पुलिस जो है पेश कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रांची से इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, तनवीर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, यश मॉडल के संचालक जो कि कई दिनों से फरार चल रहा था, क्या कुछ और इसे लेकर अधिक जानकारी आ रही है? देखिए, जिस तरह से तनवीर को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है बिहार के अररिया से, उसके बाद इस पूरे मामले पर रांची पुलिस जो है वो साक्ष्य के साथ एविडेंस के साथ कोर्ट में प्रस्तुत करेगा तनवीर को, और ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के साथ या तो भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है या फिर रिमांड में लेकर के आगे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल तनवीर पर कई अलग अलग धाराओं पर मामले दर्ज थे। इस पूरे मामले को लेकर के अभी जो तनवीर को रांची लाया गया, इसके बाद वरीय अधिकारी सहित कई टेक्निकल टीम जो है वो तनवीर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के आधार पर पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मामला आईटी एक्ट से भी जुड़ा है, कहीं ना कहीं पीड़िता के तस्वीर को वायरल करने या फिर छेड़छाड़ करने जैसे सही कई अन्य गंभीर धाराओं पर मामला दर्ज थे। तो इस पूरे मामले को लेकर के रांची के गोंदा थाने की पुलिस जो है वो रेस है और तनवीर को कोर्ट में पेश करने से पहले वो तमाम पहलुओं को खंगाल रही है, जिस पर युवती जो है, जो मॉडल जो है, जो आरोप लगाई है, इस पूरे मामले को लेकर देर शाम तक या सेकेंड हाफ रांची पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा सकता है और कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत या फिर रिमांड में लेकर के आगे पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रयास किया जा रहा है कि जब तनवीर को जेल भेजा जाए तो रांची पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य और सबूत होने चाहिए, ताकि इस पूरे मामले का जब ट्रायल रांची पुलिस फेस करेगी तब ये पूरे मामले पर अपनी जांच की जो दिशा है उसको साबित कराते हुए आरोपी को सजा दिलाई जा सके। इस तमाम चीजों को लेकर के इससे पहले युवती से भी पूछताछ की गई थी, चूंकि जीरो एफआईआर मुंबई में दर्ज किया गया था, उसके बाद रांची के गोंदा थाने में उसे ट्रांसफर किया गया। तब से लेकर अब तक इस पूरे मामले में युवती से भी पूछताछ हो चुकी है। एक टीम मुंबई जाकर के युवती से के बयान भी लिया जा चुका था। इस सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक टीम जो स्पेशल बनाई गई थी, उन्होंने बिहार के अररिया में छापेमारी करते हुए तनवीर को गिरफ्तार किया। आज जब रांची लेकर के पहुंचे हैं तो आज किसी भी वक्त जो है तनवीर को रांची कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।